हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि ज्यों ज्यों सरकार किसान को जोखिम फ्री बनाने के लिए कोई फैसला लेती है त्यों त्यों कांग्रेस की बेचैनी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बाद हरियाणा सरकार ने अपने स्तर पर ट्रस्ट मॉडल आधार पर सब्जी एवं बागवानी फसलों को भी बीमा कवर देने का निर्णय लिया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। हरियाणा की सरकार किसान हितैषी सरकार है और हर फैसला करने के लिए तैयार है और किसान की आमदनी बढ़ाने का तरीका एक यह है कि किसान को सस्ती पूंजी दे, वो जो केसीसी के द्वारा हम दे रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा जो किसान केसीसी है टाइम पर भुगतान करता है उसको इंटरेस्ट सबवेंशन 3% भारत सरकार का है, 4% हरियाणा सरकार का है, 0% ब्याज पे उसको पूंजी उपलब्ध कराते हैं। और इससे आगे बढ़ के हमारी योजना है कि जो नेशनलाइज बैंक है उनका भी हम इसी तरह से जो कोऑपरेटिव बैंक का है उसके करने पे विचार कर रहे हैं। किसानों के लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। किसान को जोखिम फ्री करना, किसान को लाभकारी मूल्य देना, किसान के MSP पे परचेज करना, किसान को सीधी पेमेंट करना, ये हमारा लक्ष्य है। और जो सब्जियां हमने ली हैं इसमें टमाटो, ऑनियन, पोटैटो, कॉलीफ्लावर, पी, कैरेट, भिंडी, बॉटल गार्ड, बिटर गार्ड, ब्रिंजल, चिल्ली, कैप्सिकम, कैबेज और रेडिश, 14 सब्जियां इस बीमा में आएंगी। 2 टर्मरिक और गार्लिक, ये स्पाइसेस होंगी। और फलों में किन्नू, गोवा, मैंगो और बेर, जो मुख्यतः 4 फल हमारे हरियाणा के हैं वो उनका बीमा होगा। 2 ये मसालों का बीमा होगा और 14 सब्जियों का बीमा होगा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।